हेलो दोस्तों, आप सभी को एशियन कुक की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। तो चलिए आज बनाते हैं हम चिकन कोफ्ता, जिसके लिए हमने स्प्रिंग ऑनियन लिया है और कीमा किया हुआ चिकन, सॉल्ट डालेंगे उसके ऊपर और चिल्ली फ्लेक्स डालेंगे, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा ब्लैक पेपर भी डाल देंगे और तीखी मिर्च डालेंगे इसमें और उसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे कुछ इस तरह से। अच्छे से मिक्स होने के बाद हम इसमें चॉप किए हुए ऑनियन डालेंगे, फिर इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। फिर हम 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट लेके उसे भी अच्छे से मिक्स करके कुछ इस तरह से दिखेगा। फिर हम एग लेंगे, फिर एग को हम अच्छे से अंदर डाल देंगे कीमा के। फिर हम 2 पीस ब्रेड के लेंगे, वाइट ब्रेड जो जिसका हम ग्रेवी बनाएंगे, इस तरह से कट करेंगे और इसे मिक्सी में डाल देंगे। फिर उसके बाद हम मिल्क ऐड कर देंगे इस पे और उसके बाद हम फ्रेश क्रीम डालेंगे। फ्रेश क्रीम डालने के बाद हम इसमें काजू डाल देंगे और उसके बाद 3 पीस इलायची के डाल देंगे। फिर सॉल्ट डालेंगे और उसके बाद हम इसमें शुगर भी ऐड कर देंगे थोड़ा सा, आपके कितना स्वीट चाहिए उस हिसाब से। फिर हम अनियन कट करेंगे जो इस ग्रेवी में हम पहले इसे भूनेंगे और उसके बाद अंदर पीस के डाल देंगे। तो पहले हमने तड़के के लिए सरसों का तेल डाला, फिर हमने चॉप किए हुए गार्लिक डाल देंगे, फिर चॉप किए हुए ऑनियन डालेंगे और इसे अच्छे से ब्राउन करेंगे। ब्राउन होने के बाद इसे हम पीसने के लिए डाल देंगे और उसी बर्तन में हम जो हमने पिसा हुआ ग्रेवी था उसे डाल देंगे और थोड़ी सी पतली रखेंगे ताकि अंदर वो हमारा चिकन का जो कोफ्ता है वो पक जाए। और ये डाला हमने पिसा हुआ ग्रेवी जो हमने भुना था ऑनियन। तो उसके बाद हमने जीरा पाउडर डाल दिया है इसमें, धनिया पाउडर डाल दिया है। फिर उसके बाद हम इसे अच्छे से चला लेंगे। फिर हम जो हमने कोफ्ता था वो हम कच्चा ही इसमें डालेंगे और इसी में ही पकाना है, हमें फ्राई नहीं करना है। तो एक कारण ये रहेगा कि आप ज़्यादा ऑयली नहीं खा रहे हो और सेकंड ये अच्छा भी बनेगा। फिर हमने अब देगी मिर्च डाल दिया है इसमें। देगी मिर्च डालने के बाद हम कसूरी मेथी डाल रहे हैं। कसूरी मेथी डालने के बाद अब इसे अच्छे से पकाएंगे 15 से 20 मिनट इसे अच्छे से पकाना है आपने। और कुछ पकने के बाद इस तरह से रेडी होगा और ये आपका तैयार है चिकन कोफ्ता सर्व के लिए। तो हमने ये एक कढ़ाई में डाल दिया है अच्छे से। और प्लीज़ बताएं आपको कैसा लगा ये रेसिपी, आप घर पे ज़रूर ट्राई करें और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो।